दोस्तों, फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ संडे गार्डन का अपडेट शेयर करूंगी और आपको दिखाऊंगी मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स खिले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं सूरजमुखी के सुंदर से फूल के साथ में। और आप देख सकते हैं ये मेरा प्लांट कितना हेल्दी है, और ये वही प्लांट है जो मैंने 10 रुपये का ख़रीदा था। ये देखिए, इसमें ढेर सारी कलियाँ बनी हुई हैं फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, मैं जल्दी से वीडियो नहीं बना पाती हूँ और कुछ ज़रूरी काम में बिज़ी थी फ्रेंड्स मैं, और मैंने कहा लाइए आज मैं संडे अपडेट तो आपके साथ शेयर कर ही दूँ। और ये फ्रेंड्स मेरा टिकोमा का न्यू प्लांट है, और ये कलर देखिए कितना प्यारा सा है, थोड़ा सा रेड है और येलो में मिक्स है, लेकिन सुंदर लग रहा है। और ये ड्रॉप वैरायटी है, और ये मेरा वाइट वाला टिकोमा है। इसमें फ्लावरिंग अभी नहीं है, लेकिन ये वेरीगेटेड पत्तियों से मैंने पहचान लिया कि वाइट वाला है। और ये देखिए फ्रेंड्स, सनफ्लावर की एक क्वालिटी ये होती है कि ये फ्लावर अभी भी मुझे लगता है 4-5 दिन हो गए खिले हुए, वैसा का वैसा है और ये काफ़ी दिन तक खिला रहता है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये तो मैं क्या ही कहूँ इसके लिए। ये देखिए कितना प्यारा बंच है, ये जब से मैं लाई हूँ तब से ये कंटिन्यू फ्लावरिंग कर रहा है एक ही बंच में। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स इसको देख के। और ये देखिए कितना बड़ा सा बंच में आया है फ्लावर, बहुत प्यारा लगता है इसको देख के। फ्रेंड्स, मैंने मेरे प्लांट कोई भी शेड में नहीं रखे हैं, कोई ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखे हैं, तभी आप मेरे प्लांट्स देख सकते हैं कितने अच्छे से हेल्दी से हैं और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं मेरे प्लांट्स। फ्रेंड्स, ये मेरा चमेली के प्लांट्स हैं दोनों, एक वाइट है और एक येलो। अब इन्होंने बोल के तो यही दिया है कि येलो चमेली है, पर देखती हूँ क्या कलर आता है आगे चल के। और इसको मैंने हल्का सा इधर रख दिया कि यहाँ पे 3-4 घंटे ही धूप मिलेगी इसको, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में इनकी पत्तियाँ थोड़ा सा जल रही थी, लेकिन फिर भी मेरे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी चल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे अलमंडा की वाइन, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से इसने ग्रोथ ली है, ये देखिए। और ये मेरे मॉस रोज अब मुझे लगता है खिलने ही वाले हैं, और देख सकते हैं हम कितनी ढेरों सारी कलियाँ हैं इनमें। और फ्रेंड्स, इस टाइम मैं कोशिश ये करती हूँ कि एक दो दिन छोड़ के अपने प्लांट्स को नहला देती हूँ, एकदम पूरा अच्छे से शावर कर देती हूँ, तो मेरे प्लांट्स काफ़ी अच्छे से रहते हैं। और ये देखिए, ये मेरा कनेर का प्लांट ढेर सारे फूलों और कलियों के साथ में है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और फ्रेंड्स, ये मेरा इफोर्बिया मिली, और ये मेरे अलमंडा की बुश वाली वैरायटी है। और फ्रेंड्स, ये एक प्लांट और है मॉस रोज़ का, लेकिन इसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं, बट देखने में अच्छे लगते हैं ये भी, और ये खुद से ही निकला है, मैंने इसको नहीं लगाया। और ये मेरा मैक्सिकन पिटूनिया की ड्रॉप वैरायटी है, और वो देखिए एक छोटी सी बर्ड बैठी है फ्रेंड्स, कितनी प्यारी लग रही है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ अभी। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये फ्रेंड्स इसको थोड़ा चोट लग गई थी, तो मैंने इसको अभी इसको मैंने बचा लिया। और ये देखिए, ये नॉर्मली हमारे घर में ऐसे ही घूमती रहती है, और इसका पंख कट गया था, ये उड़ नहीं पा रही। फ्रेंड्स, ये मेरे गुड़हल, और आप देख सकते हैं ये मेरा रेड वाला गुड़हल है। अब ये भी काफ़ी, इसमें पूरे मिली बैग वगैरह सब हट गए हैं इसमें से, बहुत ज़्यादा इनमें मिली बैग का अटैक था, बट इसमें अब कुछ नहीं रह गया है। और इनमें मैं कुछ नहीं खा रही, मैं इनको नहला देती हूँ अच्छे से, को प्रेशर से इन्हें पानी डालती हूँ, सारे मिली बैग वैसे ही गिर जाते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी टिकोमा की वाइन, और आप देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं। और ये मेरे मॉस रोज़, आप देख सकते हैं कुछ खिल भी रहे हैं, अभी छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े हो जाते हैं साइज़ में। और ये देखिए, और ये भी मेरा गुड़हल पिंक वाला खिलने वाला है अभी। और ये मेरा येलो वाला कनेर, और ये देखिए इसमें भी कनेर में कलियाँ आ ही रही हैं, और वो देख सकते हैं परसेल में भी अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। फ्रेंड्स, ये मेरा बोगनवेलिया, अब बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब इनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। और फ्रेंड्स, ये मेरा खाली वाइट नहीं है, देखिए पिंक कलर का भी है, ये डबल कलर में है, बट ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी करते हैं। और ये मेरा पर्पल हार्ट,
फ्रेंड्स ये मेरा साइप्रस वाइन सीड से तैयार हुआ प्लांट है, इसको मैंने सपोर्ट दे दिया है और ये देखिए कितने अच्छे से बेल पूरी बन रही है। आई होप जल्दी ही फ्लावरिंग पर भी आ जाएगा। फ्रेंड्स ये मेरे रोज़ अभी इक्का दुक्का हाइब्रिड वाले रोज़ हैं, खिलते ही रहते हैं इक्का, और ये देखिए और ये मेरे विंका। और फ्रेंड्स ये मेरे तुलसी जी का प्लांट आप देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा पेड़ के नीचे रख दिया है, देखिए कितने अच्छे से चल रहा है ये और पूरा बुशी सा प्लांट हो गया है। और ये मेरे विंका हैं सारे। फ्रेंड्स ये मेरा हाइब्रिड वाला हिबिस्कस है और अभी इसमें कलियां थी, मुझे लगता है गिर गई हैं, लेकिन ये भी अच्छा ही चल रहा है। और ये मेरा कुंद का प्लांट है फ्रेंड्स। और ये मेरा नागचंपा, ये देखिए मुझे लगता है इसमें कली भी आ रही है अब। इधर ये देखिए फ्रेंड्स इसमें शायद कली भी आ रही है। फ्रेंड्स ये मेरा पर्सिन और ये देखिए येलो कलर का खिला है और ये रेड, अब इनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए मेरी टर्टल वाइन की कटिंग मैंने ग्रो किया था, देखिए कितनी जल्दी से कितनी बड़ी हो गई है, ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स कोई मैंने ग्रीन नेट वगैरह नहीं लगाया है, मेरे प्लांट्स पूरा फुल डे सनलाइट में रहते हैं, बट मुझे इतनी दिक्कत नहीं लग रही है अपने प्लांट्स को देख के कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़े। ये देखिए फ्रेंड्स टूट गया ये, इसको मैं ऐसे ही लगा दूँगी तो ये लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल आप मिट्टी में इसको दबा दीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने ऐसे ही लगा दिया है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।